कौन सा दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, बी है कुंभलगढ़ का दुर्ग, सी है जयगढ़ का दुर्ग, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। और दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसकी विशेषता ये है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें क्या खेती भी की जाती है। चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान है इसका आकार। और इस दुर्ग के अंदर क्या की जाती है? खेती भी की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहलाता है। ओके गाइस, फिर गाइस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, गिरी क्या है? गिरी पर्वत का पर्यायवाची है। क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है। इसलिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किसके ऊपर है? मालवा के पठार के ऊपर स्थित है। ठीक है, जो शासक हुए चित्रागत इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो मालवा के पठार के ऊपर किया था। ठीक है, तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है? मेशा के पठार के ऊपर स्थित है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गिरी है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ओके, ये कौन सा दुर्ग है? पर्वतीय दुर्ग है। ये मेशा के पठार के ऊपर स्थित है। और मेशा कहाँ है? ये बेड़च और गंभीरी नदी के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, मेशा पठार। तो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? मेशा के पठार पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो चित्रागत नामक मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था।